हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरिन चैनल ड्रीम वर्ल्ड। कैरिन से हाय। हाय। तो गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और साथ बनेंगे बॉइल्ड राइस। तो मैंने कहा चले आज आपसे रेसिपी शेयर करते हैं, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मटर है, ये 1 किलो मटर है, बस आलू हैं और ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनका मैंने छिलका उतार के उनको स्लाइस कर लिए उनके। मैंने एज़ यूजुअल 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ये पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट जब बनाया था उसके साथ मैंने डाल के इसको नमक डाल के लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट कूट लिया था। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मैं 1 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। यूजुअल मेरे खानों में हमेशा की तरह आपको कहीं भी लाल मिर्ची नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने खानों में लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करती। काली मिर्च, गरम मसाला और हरी मिर्ची का इस्तेमाल मेरे यहाँ ज़्यादा होता है। जैसे आप सबको मालूम है कि हरी मिर्ची हमें नुकसान नहीं देती, बल्कि लाल से हमें हेल्थ के लिए हमारी अच्छी नहीं होती, बल्कि सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप ना इस्तेमाल करें, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे खानों में आपको कहीं भी लाल मिर्ची नज़र नहीं आएगी। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करें। तो देखें व्यूअर्स, प्याज मैं डाल चुकी हूँ, देखिए मैं ऑयल भी डाल दिया है। बस प्याज फ्राई होते हैं तो इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैं इसमें अपने टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो मैं अपने खानों में टमाटर ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और साथ ही ये लहसुन अदरक और साथ ही ये सारे ड्राई स्पाइसेस और साथ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी कि मसाला ना लगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। ये व्यूअर्स, मसाला बन चुका है और साथ ही ये मैं अपनी सब्ज़ी भी शामिल कर रही हूँ, आलू और मटर। मिक्स कर दूँ इनको अच्छा सा, तो थोड़ी देर इसको भी भूनती हूँ मैं अच्छी तरह और फिर पानी ऐड करेंगे जब ये भुन जाएगी सब्ज़ी। तो देखें व्यूअर्स, सब्ज़ी भी मेरी भुन चुकी है तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि मैं ज़रा शोरबे वाले बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चावलों के साथ बनाने हैं। चलें तो अब इसको कवर करती हूँ और 15 से 20 मिनट में सालन जो है हमारा तैयार हो। देखिए व्यूअर्स, ये मेथी है डाल के, क्योंकि अगर वैसे ही डाल के बॉल में दूंगी तो ये फिर इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के इस तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो अब मैं इसको सालन में ऐड करने लगी हूँ। तो अभी ज़रा काफ़ी स्मोक आ रहा है, ये देखें ये मैंने शामिल कर दी है मेथी इसमें। और आप सबको मालूम है कि मेथी डालने से खानों में कितनी खुशबू आती है, ये देखें। तो बस सालन मेरा रेडी होने वाला है, तो थोड़ी देर पहले मैंने इसमें मेथी डाल दी है। तो 5 मिनट दम कर देते हैं सालन को, आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी सालन। और दूसरी तरफ मेरे चावल भी दम पे हैं तो दोनों चीज़ें आपको एक साथ सर्व करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, सालन तैयार है तो आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और दूसरी तरफ मेरे चावल भी तैयार हैं, ये देखें इसका दम भी कंप्लीट है। तो दोनों चीज़ें आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार आलू और मटर का सालन तैयार है और साथ मैंने बनाए हैं ये बॉयल चावल बनाए हैं साथ। तो आलू मटर के साथ चावल तो बहुत मज़े के लगते हैं, इसलिए मैंने आलू मटर और चावल बनाए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होंगी, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।